जो पूजा करे बैठे ना तो ऐसे नांग बैठे रहे उनके सामने ऐसे अच्छा। ने ऐसे रहें उनके पूजा करे बैठे तो ऐसे छाए रहे कुछ तो है ये माता राज मोहिनी देवी के इस प्रांगण में जहाँ पर अद्भुत शक्तियां दिखती हैं पता चलता है एहसास होता है मैं और पत्नी तो वहाँ एक आवाज आईस अजीब सा आवाज आईस तीन बार आवाज आईस ए पेंटर ए पेंटर ए पेंटर ऐसे करके मैं पेंटिंग के काम करता हूँ तो आवाज इस समय वहाँ अगल बगल देखें वहाँ कोई आदमी नहीं दिखे नमस्कार तो दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का डी डी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त मैं हूँ सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत गोविंदपुर माता राजमोहिनी देवी जी का इतिहास काफ़ी पुराना है और बहुत चर्चित है और उनको आज दुर्गा माता के तौर पर पूजी जाती हैं वो उनका पूजा अर्चना किया जाता है ये आप देख सकते हैं मंदिर मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ हम गोविंदपुर में आए हुए थे चुनावी माहौल के लिए लेकिन जैसे ही पता चला कि यहाँ एक अलग तरह का एक मान्यता है और उनका इतिहास है माता राजमोहनी देवी जी का तो हमने चाहा कि क्यों ना जाते हैं माता राजमोहिनी देवी जी की जो पुत्री हैं राम भाई भी हैं और उन अपनी माता के बारे में बताएंगे चूंकि मैं थोड़ा सा एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि माता राज मोहिनी देवी जो थी और उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था राष्ट्रपति के द्वारा और उनकी विशेषता ये थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समाज के प्रति उनको जो मैसेज देने के लिए एक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ वो जंगल में गई हुई थी और वहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो दारू मुर्गा आदिवासी वर्ग में ज़्यादातर इस तरह के देख देखने को मिलता है कि वो लिप्त रहते हैं या इस पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है तो उनमें जागरूकता कैसे लाई जाए वो पैदल चल चल करके पैदल बहुत दूर दराज में घूम घूम करके हमेशा जागरूक करती थी कि दारू मुर्गा को त्यागना है और पूजा अर्चना करना है एक पूजा स्थल बना करके वहाँ पर पूजा पाठ की जाए इस तरह से उनका निस्वार्थ और असाधारण समाज सेविका के तौर पर जानी जाती हैं इसीलिए उनको आर वेंकट रमन जो राष्ट्रपति थे वो उन्होंने उनको ये जो पद्मश्री का सम्मान दिया था आइए उनकी पुत्री और उनके जो पोते भी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये एक प्रतिमा बनाई जा रही है माता राजमोहिनी देवी और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और हमें पता चला है कि उनके पोते जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं वो बना रहे हैं और कितना कला है ये हालांकि उन अदृश्य शक्ति है माता जी का ही शक्ति है कि आ, आज उनकी प्रतिमा जो लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं माथा टेकते हैं आशीर्वाद रहते हैं रामबाई जी हमारे है साथ हैं दाई सबसे पहले तो हमार प्रणाम मैं यही जानना चाहते हैं दाई की जैसे राजमोहिनी देवी जी कर माता रहीन और आप मन कर तो परिवरिश करी रहीन बचपन से खिलाए जिलाए रहीन है ना बड़े करे रहीन कब से आपके लगी स्किन नहीं उकर में अद्भुत शक्ति है बाकी माता से अलग है मैं इतना बड़ा हे तो मैंने दस साल का है तब मैं जाने लगे अच्छा, हाँ तो पोटू खोख दौड़े गई तो वहाँ जंगल में कुछ नहीं मिली तो कहीं की माता जी की कि भाई मौके कुछ नहीं मिली मगर परिवार लैका मल्का का हूँ ऐसे के तो रो, रोने लगी तो महात्मा तो महात्मा का कह कैसे रहो था क्या आज कुछ नहीं मिली तो मर का मल्का हूँ तो कह कि जा घर दूरा साफ करबे कहीं जहीं रखल होबे मुर्गी तितली ते सबके फेंक देवे दारू मात सब के फेंक के ते नहा धोए के खड़ा रहे मैं मंगल के दिने हूँ। तो मंगल के दिने वो साधु काबा रही वो चला सुराज करे चला सुराज करे ऐसे कहीं सब जन के गांव में घूमे लगे सुराज करे चला सुराज करे चला तो कहीं पगलावत है औरत है पगलावत है कहीं तो यहाँ बैठ गई चट्टान में आके चट्टान में बैठी तो इसने बादल नहीं बिना बादल के अहोधार पानी गिरी से तब गांव वाला विश्वास करें तब वही झाला छाएंगे इससे पहले रामबाई दाई जो कुछ बोलेंगी मैं बताना चाहता हूँ उन्नीस की बात है अकाल का वो दौर था एकदम सूखा पड़ा हुआ था बारिश नहीं हो रही थी और अकाल का जो दौर होता है उस जमाने में आज तो खैर काफ़ी अनाज हो जाता है वो वक्त था जहाँ पर अनाज नहीं होता था खाने के लिए तड़पते थे लोग और ऐसे घड़ी में जब इस तरह का जब माता राजमोहिनी देवी जी कहती थी जागरूक करने के लिए उनमें सकारात्मक चीज़ें डालने के लिए कि भाई दारू मुर्गा ये जो पाप के काम है पाप वाला श्रेणी में आता है इसको त्यागा जाए और सही दिशा में बढ़ा जाए तो समाज के लोगों में जानते हैं जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो उसको आसानी से तो स्वीकार करते नहीं है तो समाज वालों ने कहा कि भाई अगर आप में कोई ऐसी आत्मज्ञान आई है ऐसी कोई शक्ति आई है तो कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाइए। तब वहां पर एक चमत्कार हुआ और जबरदस्त बारिश हुई मतलब जहाँ काल पड़ा हुआ था और ऐसी बारिश हुई कितने दिन कितने दिन तक बारिश हो रही, रही कितना दिन तक पानी गिरे रही एक घंटा अच्छा गिरीस एक घंटा बहुत बढ़िया बहुत पानी से एक घंटा ये पानी ला जानता था जान नहीं जानता नहीं ना हाँ। अब एक बाद अच्छा रहन सहन कैसन रहीस माता मोहिनी देवी जी कर घर दूरा ला चलाना आपन से कैसन गोट बार का बोलत रहिन अपन बेटी बेटा ला का सीख देते रहन हमके कहे कि साफ सफाई रही आ खादी कर कपड़ा रही हा। हाँ, खादी कर कपड़ा। जो खादी आ उन बर्तन कासकर कास बर्तन अपन हाथ बनावत रहे अपन हाथ खात रहे किसी के पानी नहीं पिये वो जमाना में जब वो रहन आपन सब छोटे छोटे रहा है ना राजमोहिनी देवी जब रहीन खाना बनात रहीन का रंधत रहन काका बनात रहीन का चीज ला वो समय ल खाय मिलते रह जू घर अः बड़ा कठिन वाला रही सो में अनाज उतना नहीं पात रहन है ना गरीबी आ, दिन रही रहताव शरुआत साहे ढाही कहें खुरपत सग कहें साग सहें खुखरी ओमन के रान रान खाते ओमन के रान के खाए सराई या महुआ बैठा बैठा खाएँ वो जमाना रहे माता जी का हम कौवाए यहाँ साग वगैरह कर बात आप जिक्र करें कि भाई चकोड़ साग होगी सब तरह तरह कर सग जो आसानी से जंगल में खेत में भेटात रही से तो वो जमाना कर साग जो भेटात रही सोला खाए के बाद जो मिठास रही आज भी कुछ कुछ चकोर साग या कुछ ऐसा साग वाला खाए में वो मिठास मिठास लगते रही की बदल गई से वो स्वाद बदल, हाँ। बदल गई से हाँ बदल गया हाँ, हा। वो ओ दिन करे बदल गए आज कोई नहीं, नहीं साग खाते खे महुआ खाते नहीं कुछ नहीं आलू घंटा कोई नहीं खाते सरैया महुआ एक दिन भर भूखे रह जाए सरैया महुआ खाए के हम दही जब राजमोहनी माता जी राष्ट्रपति द्वारा जब ये कर पुरस्कार मिलत रही तब आप ला याद रहीस कि मिली से है इस टाइप का अवार्ड दिल्ली गए रही राजमोहनी माता जी दिल्ली गए ते के मौके सही नहीं जाए मने ऐसे घूमे मर गए कि सही अच्छा। हाँ मद्रास घूमे हरिद्वार घूमे और बनारस आगरा मथुरा उस समय में वो युग में पैसा रुपया फिर कैसे करत रही ने? इतना दूरियां दूरियां जाना रही तो कैसे जा पात रही पैदल जात रहे सब पैदल चल जाए जी तो? पैदल जात रहे दिने तक पैदल गईला माताजी कैके दिन लगत रही सोईना दाई दस दिन तक जाए पैदल में हाँ उनका जोरदार बहुत उनका संगे कूदें माताजी संगे कूदें जे उनका संगे जाते भगत मन इतना उनके शक्ति बहुत जुड़ गए रही नुकर साथ आदमी मन ना हजार संख्या गए था दीदी में अठासी हजार का संख्या लेके गए रही हाँ। राजमोहनी माताजी लेके अठासी हाँ। हजार का संख्या लेके गए रहे गाँव समाज में का मैसेज देते रहन दाई का कहत रहिन संदेश का देते रहन भगत हो जा दारू छोड़ दा मुर्गा छोड़ दा झूठ बोलिया माकुर चूना सब छोड़ तो मानत रहीन दाई उकर बात ला मानत रहीन हाँ माने और काका शक्ति जैसे आप तो भाई उकर बेटी रहा दाई है ना आप तो बहुत नजदीक से सुतत उठत बैठत है ना हर जगह पे देखत रही है नजदीक पात रही हो चमत्कारी भई महिला रहिनो तो और काका शक्ति ला देखे तो मिलत रहे जैसे लगत रहे की बड़ा अद्भुत है मोर माता जी और ऐसा भीतर दिखते उनकर जो पूजा करे बैठे ना तो ऐसे नांग बैठे रहे उनका सामने ऐसे अच्छा। मैं सरक ऐसे उनका छाए रहे उनके पूजा कर बैठे तो ऐसे छाए रहे नांग मन कहा पूजा करते रहें दाई मंदिर में यही मंदिर में का हाँ तो अब दूसर बन गए पहले छानी कर रहे अच्छा। तो उनका छाए रहे अब दिन दिन और रात वो बैठते रहे पूजा करते रहे पूजा करते रहे दाई तो आप अपन आँखें से देखे रहे आँखें से देखे हूँ मतलब नाग देवता बकायदा ऐसे पैर हाथ है सब झूठसत रहे अच्छा हम आप अपना के देखे हो जब वो पूजा करके आत्रही निकलत रही तो आप मन से का गोट बात होत रही इसका कहत रही इनकी भाई देवता के रूप रहे तो उतना नहीं पतिया है अच्छा आप नहीं मतलब हां अपन परिवार लेके छ हम उनके उतना ध्यान नहीं, तो नहीं दे जब ऊकर अंदर ऐसे ऊपर पीछे खड़ा होकर के छाया देते नाग देवता तो आपन डरा नहीं रही देख करके नहीं डरा सामने जाते में रह सामने नहीं जाए वहाँ पूजा करते हैं तो हैं तो नहीं हमरे काका पसंद रही माता मोहनी देवी ला खाए पिए में और और जो रोज दिन कर जीवन में जो चले वो काका करते रहिन सुबह उठे से लेकर के शाम तक सोए तक ओ नहाए धोए पूजा पाठ करें तब खाए तो नहीं खाए हाँ उनके ठेर सेवा में रहें उनका मन लागे तो खाए अम्मांदा गए थे तो नहीं खाए और कुछ ऐसा याद है रहा नहीं उनका साथ का कोई किस्सा जो बताना चाहिए नहीं 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 जान। जाने अच्छा नहीं जाने धन्यवाद दाई गोट बात करी वर यहां पे और बात करते हैं माता राज मोहनी देवी जी के आ, नाती है ना हाँ। क्या नाम है भागमترام अभी हम जब जैसे घुस रहे थे तो हमने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी आपने प्रतिमा बनाया हुआ है यहाँ तो हम खुद दिखाना चाहेंगे माता राजमोहनी देवी की प्रतिमा बनाए गए आप ही ने बनाया है हमने सुना और उधर बजरंग बली जी भी आ, की भी प्रतिमा आपने बनाया है आप माता राजमोहिनी देवी जी को कितना जानते हैं और उनके बारे में क्या क्या जानते हैं मैं तो उतना नहीं जानता पर भाई सुना हुआ को बता सकता हूँ जो दादी थी उनको आत्मज्ञान सन उन्नीस में उनका जो है आत्मज्ञान हुआ नदी रज मिलान में तो यही नक्शा मुक्ति से दूर रहो ये सब प्रचार प्रसार राम नाम का जाप करो ऐसे भक्त अनुयायियों को संदेश दे रहे थे। आप कभी अपनी दादी से मिले थे बातचीत हुई थी आपकी नहीं मैं बहुत छोटा था तब सेहत ठीक नहीं था तो इस रूम में मैं देखा था जब वो आखिरी दिनों में थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो क्या बोला करती थी अपने आपके पिताजी हो गए चाहे बुआ लोग हो गए उनको क्या कहते थे क्या बोलते थे क्या उनका संदेश होता था दादी बोल रही थी कि भक्ति रखिया बेटा ज़्यादा दिन तक तो, तो नहीं रही चौदह चौदह कोस में मतलब दीपक जल ही भक्ति है रही लेकिन ये बीज लाख रही है तो ऐसे कहत रही। ये टाइप रह बोलते रही अच्छा मंदिर ला फिर कब बनी से पूजा पाठ आप करता लगती रोज कर था जिस तरीके से आ? आप यही पोशाक में रथा भैया हाँ अभी मैं यही पोशाक में रहता था हमेशा ही हाँ पूजा पाठ आप मन के रोज दिन कर जो दिनचर्या रथ है वो कैसे कैसे है का कर था मंदिर से कैसे जुड़े हैं मंदिर में सुबह हो और मतलब नहा धोवा करके साफ सफाई करता और पूजा पाठ टाइम से हो जाते में बतावा ये प्रतिमा जिसे बनाए बर कहाँ से सीखे है और कैसे मन में ख्याल है इसकी ये सब बनाया जाए और कौन मदद करत है ला बनाए बर ये सब चीज़ के मदद कोई नहीं करत है बस ऐसा ही मन में हुई इसकी बनाया जाए तो आप, ही आप बनाते समय हाथ आप ही आप काम करे लगे सब अच्छा से मतलब फेस आने लगे कहीं ना कहीं ये शक्ति है ना भैया जो इस तरीके से कितना बहुत सुंदर प्रतिमा बनाए हैं हनुमंत बलवीराकर हनुमान जी कर है ना और माता जी कर दो ही प्रतिमा बनाए हैं और भी कुछ बनाया मोर मोर है अच्छा, वो मोर का भी बनाया कितना दिन लगी से काका का लगे रही से मे करेवर अब ये सब का व्यवस्था कौन दे रहीस ये सब का व्यवस्था थोड़ा बहुत सीमेंट बच गए रहीस तो ख्याल है कि बनाया जाए एकर एकर से पहले कभी बनाए रहा का कोई प्रतिमा कोई कलाकारी याद रही सा? नहीं कभी नहीं बना रहे मैं किसी तरह से कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं कभी नहीं तो कहीं ना कहीं एक चमत्कार है जो ये इस तरह से बनाया है ना प्रतिमा ना आपके ख्याल आई और आप से अपने आप हाथ से बनते चले गए और कुछ पता नहीं चले सा? नहीं पता चले तो साथियों ये भी एक कहीं ना कहीं चमत्कार है कि आप कभी जीवन में न बनाए हो जैसा इन्होंने बताया कि कभी जीवन में इन्होंने कोई मूर्ति कोई प्रतिमा नहीं बनाया इसके बावजूद भी बस मन का ख्याल आता है इतना सुंदर सुंदर माता जी का प्रतिमा हो गया उधर हनुमान जी का जो प्रतिमा हो गया बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने गढ़ा है तो कुछ तो है ये माता राज मोहिनी देवी के इस प्रांगण में जहाँ पर अद्भुत शक्तियाँ दिखती हैं पता चलता है एहसास होता है आइए गांव के कुछ भाई बंधु लोग हैं थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं इनसे भी जानते हैं कि ये कितना जानते हैं और क्या कुछ जानते हैं का नाम है भैया मैंने अनिल नेताम कहाँ के रहे वाला हाँ मैं यही मोहल्ला के रहे वाला हूँ अच्छा यही आसपास कितना साल हो गए है भैया आप बत्तीस साल हो गए बत्तीस साल हो गए हैं बत्तीस साल में यहाँ पर भैया यही पारा मोहल्ला का रहा देख का देखता का था का पता चल थे यहाँ पर कैसा महसूस कर था कैसा लागे यहाँ तो मतलब बीच बीच में हम बनाते रहती कभी कभी तो डेली लगभग आना होलैल यहाँ और कहा सुने कुछ नया ऐसा कुछ बताना चाहिए माता जी हाँ, के बारे में अभी कुछ दिन पहले की बात है लगभग ठंडा समय की बात है मैं और मोर पत्नी दोनों जात रह मोटरसाइकिल में गए रहन जंगल साइड घूमे के मन कर रही तो वहाँ नदी है जहाँ माता जी के ज्ञान के प्राप्ति हो रहे वहां जैसे मैं अपन मोटरसाइकिल खड़ा करेन और आगे मंदिर साइड चलन मैं मोर और मोर मैं और मोर पत्नी तो वहाँ एक आवाज़ आई अजीब सा आवाज़ है तीन बार आवाज़ है ए पेंटर ए पेंटर ए पेंटर ऐसे करके मैं पेंटिंग के काम करता हूँ तो आवाज़ इस मैं वहाँ अगल बगल देखें वहाँ कोई आदमी नहीं दिखिन मैं वहाँ करीबन लगभग पाँच मिनट तक रुक के देखें देखे के प्रयास करें लेकिन कोई नहीं दिखीन एक मैं फिर गए मंदिर में दर्शन वगैरह करें फिर मैं आ गए तो आए आय के बाद ए, माता जी के सुपुत्री जो हैं हमार माता जी उनके बताएं कि ऐसे ऐसे घटना घटी से मोर संगे ऐसे करके तो बताएं कि यहाँ भी वो आवाज़ होल कभी कभी मतलब कोई नाम लेकर के आवाज़ आयल ऐसे करके तो ये शक्ति आज भी है ये शक्ति आज भी है आ, कितना अद्भुत और कितनी चमत्कार की बातें सुनने को मिल रहा है कि आ, मैं गया हूँ दरअसल अभी पता नहीं हम जा पाते हैं कि नहीं वो नदी के किनारे एक मंदिर है है ना वहाँ उनको आत्मज्ञान मिला था बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत जगह है प्रयास करेंगे कि वहाँ की भी तस्वीरें वहाँ का भी दृश्य आप तक पहुँचाएँ बहुत सुंदरता है मनोरम दृश्य है नदी के किनारे ऐसा लगता है कि वो दौर जब हम फिल्मों में देखा करते थे ऋषि मुनियों का जो आश्रम हुआ करता था नदी के किनारे वैसे ही महसूस होता है तो आज एक बहुत चमत्कारिक जगह पर आकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं चाह कि माता राजमोनी देवी जो पद्मश्री से सम्मानित रही हैं और असाधारण बिल्कुल असाधारण समाज सेवी का रही हैं जो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने काम किया और जो जीव हत्या करके लोग उसका अपना हार बनाते थे उसको बंद कराने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया तो माता राज मोहिनी देवी के इस प्रांगण में हमने माता जी के बारे में जानने की कोशिश की और जितना कुछ भी हमने जाना उनकी पुत्री से हमने जाना उनके पोते से भी जाना वो हम चाह रहे थे कि आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताइएगा अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये माता मोहनी देवी जी की विशेषता और गोविंदपुर जो गांव है यहाँ पर उनका मंदिर है ये अन्य लोगों तक की असाधारण समाज सेविका के बारे में पता चल सके चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो आप देखते ज़रूर हैं सब्सक्राइब नहीं करते थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग देंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और अलग अलग जगहों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे बहरहाल मुझे दीजिए अनुमति नमस्कार